हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सेल बैटरी ईएमएफ इंटरनल असिस्टेंस टर्मिनल पोटेंशियल एंड रिलेशन बिटवीन इंटरनल असिस्टेंस टर्मिनल पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल की बात करते हैं। सेल क्या है? सेल एक डिवाइस है जो एक सूटेबल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराता है करंट को मेंटेन करने के लिए किसी भी सर्किट के अंदर। तो सेल का जो सिंबल होता है, सेल का सिंबल क्या होता है? ये होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। बहुत सारे सेल मिलके क्या बना देते हैं? बैटरी बना देते हैं। तो बहुत सारे सेल हमने यहाँ पे कंबाइन कर दिए, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हमारा क्या है? बैटरी हो गया। तो ये होता हो गया हमारा सेल, ये हो गया बैटरी। एक होता है ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये कोई फोर्स नहीं है, ये क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड के बीच में क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है जब सर्किट ओपन होता है। ओपन सर्किट का मतलब है नो करंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। सर्किट से हमारा करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। ईएमएफ क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दो इलेक्ट्रोड के बीच में जब हमारा सर्किट से करंट फ्लो नहीं कर रहा, उसको हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। एक होता है इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस भी क्या है? जैसे हमने नॉर्मली पढ़ा हुआ है, रेसिस्टेंस क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय एन कंडक्टर टू फ्लोइंग द करंट थ्रू इट। तो इंटरनल रेसिस्टेंस भी बिल्कुल सिमिलर है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट। सेल के इनसाइड द सेल क्या होता है? इनसाइड द सेल और बैटरी, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है कि वो करंट को फ्लो नहीं करने देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेसिस्टेंस बोलते हैं। इंटरनल रेसिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। और ये इंटरनल रेसिस्टेंस हमेशा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के सीरीज में ऐड होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है? वी से डिनोट करते हैं। ईएमएफ की जो यूनिट होते हैं, इसकी भी यूनिट क्या होती है? वोल्ट, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल क्या है? डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा जब किसी भी सर्किट से क्या होता है? करंट फ्लो करने लगता है, इट मीन्स क्लोज सर्किट से। क्लोज सर्किट से जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है सेल के अक्रॉस में, उसको हम क्या बोल रहे हैं? टर्मिनल पोटेंशियल बोल रहे हैं। तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या हो गया? वी से डिनोट करते हैं, इसकी भी यूनिट क्या होगी? वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब हमारा सर्किट से क्या कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है, इट मींस क्लोज सर्किट से। अब हम बात करते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ के बीच में रिलेशन क्या है। तो इसमें हम एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। सर्किट डायग्राम में क्या है? एक सेल है, उसका जो हमारा ईएमएफ कितना है? ई। ईएमएफ ई है और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर। तो इसको एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के थ्रू हमने ऐड कर दिया। तो अभी यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है, ये आई करंट फ्लो जो हमारा कर रहा है, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन में स्मॉल आर प्लस के कैपिटल आर, क्योंकि हमने नॉर्मली क्या पढ़ा हुआ है? वी इक्वल टू आई आर, यहाँ पे क्या है? ईएमएफ है। तो आई इक्वल टू ई अपॉन में स्मॉल आर प्लस में कैपिटल आर, क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस हमेशा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से क्या जुड़ता है? सीरीज में ऐड होता है। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये आ जाती है। सेकंड इक्वेशन, एक तरीके से इक्वेशन ये भी है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है, टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है? ईएमएफ माइनस के वोल्टेज ड्रॉप, आई इंटू में आर। तो एक रिलेशन ये भी हमें याद रखना है कि मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो इलेक्ट्रोड के बीच में, जब सर्किट क्या होता है? ओपन सर्किट होता है, उसमें से वोल्टेज ड्रॉप को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमें बाहर क्या मिलता है? टर्मिनल पोटेंशियल मिलता है। तो टर्मिनल पोटेंशियल कब मिलता है? ये वाली, इस कंडीशन में। अगर सर्किट ओपन है, ओपन सर्किट में क्या होता है? ओपन सर्किट में करंट जीरो होता है, फॉर ओपन सर्किट में करंट की वैल्यू क्या है? जीरो है। तो करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी ओपन सर्किट में, तो उस कंडीशन में ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, यहाँ पे हमने पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, वी इक्वल टू आई आर। टर्मिनल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो हमारा पोटेंशियल होगा कितना होगा? वी इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट से इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वी इक्वल टू कितना आ गया? ई अपॉन में स्मॉल आर प्लस में कैपिटल आर इंटू में आर। यहाँ से इस वैल्यू को इधर ले आते हैं, कितना हो गया? आर प्लस में कैपिटल आर इक्वल टू ई अपॉन वी इंटू में आर, ये हो गया। स्मॉल आर इक्वल टू हो जाता है ई अपॉन वी इंटू में आर माइनस के आर।
तो इसी रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, आर इक्वल टू ई अपॉन वी माइनस वन इंटू में आर। ये रिलेशन आ गया हमारा टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल के लिए, ईएमएफ के लिए और इंटरनल असिस्टेंस के लिए। इसी रिलेशन का यूज होगा पोटेंशियोमीटर में। जब हम पोटेंशियोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे, जब हम क्या करेंगे, हम इंटरनल असिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियोमीटर के थ्रू, तो वहाँ पे भी इस रिलेशन का यूज होगा। नेक्स्ट वीडियो में सेल के बारे में बात करेंगे, सेल इन सीरीज, सेल इन पैरेलल, उसका कॉम्बिनेशन जो हम करेंगे, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।